कल ब्यावर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम गहलोत की अगवानी में जुटे कांग्रेस जन, अजमेर सांसद रघु शर्मा भी साथ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत के सोमवार रात करीब 8:30 बजे ब्यावर हाईवे मोड पर आगमन हुआ, जहाँ पर कांग्रेस नेता मनोज चौहान के नेतृत्व में गहलोत का स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली के साथ गहलोत का काफिला आम सभा स्थल पहुंचाया, जहाँ पर गहलोत ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर कांग्रेस को मजबूत बनाने का आह्वान किया। पूर्व सीएम गहलोत ब्यावर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय आनंद मोहन शर्मा की पहली बरसी पर उनके निवास गए और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान गहलोत के साथ अजमेर सांसद रघु शर्मा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह, नाथुराम सिनोदिया आदि थे। तत्पश्चात पूर्व सीएम गहलोत ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केंद्र में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड स्थापित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान के हर विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 15 लाख नौकरी देने के नाम पर मुख्यमंत्री राज्य ने प्रदेश की युवाओं के भविष्य के संज्ञात खिलवाड़ किया है। आगामी चुनाव में जनता भाजपा सरकार को कार्ड फेंकने को तैयार है। हमें जनता से मिल रहे जन समर्थन को देखकर पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की आज जनता राहत पाने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाने को तैयार है। और आम व्यक्ति को करना चाहिए, आम आदमी को करना चाहिए। पूरी तरह बीजेपी को ने एक्सपोर्ट करके रख दिया है। इस प्रकार का करप्शन राजस्थान में भी नहीं, राजस्थान तो अड्डा बना हुआ करप्शन का। और वसुंधरा जी के बारे में तो जब पहले मुख्यमंत्री तब भी अब भी खाली उनका एफर्ट बदली है करप्शन को बढ़ा देने में, कमी नहीं है कोई भी। और अमित शाह जी और वसुंधरा जी पे जो तिवारी जी ने आरोप लगाए हैं, दोनों की मिली भगत से यहाँ की खरीद संपदा परिसंपत्ति है और यहाँ पर करप्शन की मिली भगत हुई है। इस कारण से वो किसी को छेड़ नहीं पाए। जिस रूप में तिवारी जी ने पार्टी के बारे में कहा कि अघोषित इमरजेंसी के रूप में, बिल्कुल ठीक कहा। आज पूरा वो बहुत कम जगह देखने को मिलेगी पूरे देश के अंदर, इतनी एकता कांग्रेस के अंदर है। यहाँ कोई आरोप प्रदर्शन उन्हें लगते हैं, आप देखते हो कई राज्यों में लगते हैं। राजस्थान में तमाम नेता है सब एकजुट हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कैसे हम चुनाव सामने दिख रहे हैं, उसमें मैदान में उतरे और इनको सबक सिखाए वसुंधरा जी को। 15 लाख नौकरियों का जो वादे किए थे विकास के, रिफाइनरी 40,000 करोड़ प्रोजेक्ट था बर्बाद करके रख दिया। जयपुर की मेट्रो गायब हो गई, ग्रोड की आदिवासी मारी थी, पता ही नहीं उसका क्या होगा। नदी पे बांध बन रहा है, भयंकर करप्शन हो रहा है। अभी से पाइप लाइनों के ठेके में लग गए, पता नहीं पवन नदी डैम पे 4-5 जगह के 4.5 साल तो काम शुरू किया, तो अभी से ही खबर आने लग गई कि भयंकर करप्शन हो रहा है। करप्शन की सीमा टूट गई है, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो पावर विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, ऐसा करप्शन पूरे देश के अंदर भी। मोदी जी कहते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चल रही है, वो खाली दिखावे की है। पूरे देश में जो चुनाव लड़ते हैं लोग जिस रूप में अपने ऑफिशियल बना रहे हैं, वो पैसा खा जा रहा है। अमित शाह जी के बेटे जो है 50,000 रुपये को 4 महीने के अंदर उन्होंने 80 करोड़ कर दिया। ऐसा कौन है मैजिक है? मैजिक तो मैं खुद हूँ मैजिशियन, और वो मैजिक करना है वो कैसे करना है भाई? ये तो कभी हमारे पास है नहीं तो उसको अभी बीजेपी का केंद्र 5 दिन में 750 करोड़ रुपये जमा हो गया उनका कोऑपरेटिव बैंकों में। तो ये जो नोटबंदी हुई है इसमें बहुत बड़ा राज है, बहुत भयंकर करप्शन हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, तब जाके पोल खुलेगी।